नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। भारतवर्ष में लगभग विलुप्त होते जा रहे गेम्स के साथ जयपुर क्लब एक अलग तरह का अनोखा स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने वाला है। इस 4 दिवसीय स्पोर्ट्स कार्निवाल की शुरुआत आज से जयपुर में होगी। बिलासपुर में SIS सिक्योरिटी द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के 100 पदों के लिए आज जिला रोजगार कार्यालय में कैंपस इंटरव्यू लिए जाएंगे। इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण रखी गई है। चयनित युवाओं को मासिक मानदेय 16,500 रुपए से लेकर 19,500 रुपए तक दिया जाएगा। प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण आज से शुरू होगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2025 के आधार पर प्रदेश के 9 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। जैसे जैसे दिसंबर का महीना करीब आ रहा है, वैसे वैसे ठंड के बढ़ने के संकेत साफ दिखने लगे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने ताजा अपडेट में बताया है कि 29 नवंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है और आज मौसम शुष्क रहेगा। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE मेन की आवेदन प्रक्रिया जारी है। जैसे जैसे अंतिम तिथि निकट आ रही है, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। विद्यार्थी आज मध्य आवेदन में हुई गलतियों में सुधार कर सकते हैं। आज रात 11:50 तक अवसर रहेगा। अगर आप अभी तक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर घूमने नहीं गए हैं तो फटाफट घूम आइए, क्योंकि ट्रेड फेयर का समापन आज हो जाएगा। ट्रेड फेयर में आप न सिर्फ घूम सकते हैं बल्कि यहां विभिन्न राज्यों के स्टॉल से वहां की चीजों को खरीद सकते हैं। झांसी में श्री श्री 1008 श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम मंदिर ट्रस्ट बुंदेलखंड हसारी विवाह महोत्सव समिति द्वारा 3रे वर्ष भी रामकथा एवं कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज से 5 दिसंबर तक श्री रामकथा अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित शिवाकांत जी महाराज कानपुर के द्वारा की जाएगी एवं 6 दिसंबर को 21 कन्याओं का तृतीय सामूहिक विवाह सम्मेलन राय परिवार हसारी के द्वारा आयोजित किया जाएगा। ओमान की राजधानी मस्कट में 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक जूनियर एशिया कप खेला जाना है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए भारतीय टीम आज वहां के लिए रवाना हो गई है, जिसमें उसे अपने खिताब का भी बचाव करना है। टीम इंडिया टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला आज खेलेगी। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी पोल्ट्री प्रदर्शनी 16वीं पोल्ट्री इंडिया एक्सपो 2024 का आयोजन आज से 29 नवंबर तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पोल्ट्री किसानों, उद्योग के पेशेवरों और नीति निर्माताओं सहित 40,000 से अधिक उपस्थित लोगों के आने की उम्मीद है। नगर प्रखंड के जगनी काझा बिटनौली पश्चिम पंचायत के पैक्स को छोड़कर शेष 15 पैक्स में आज दूसरे चरण में चुनाव होंगे। चुनाव के चलते सद्भावना सभागार को मतगणना स्थल के रूप में चयनित किया गया है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1905 में आज ही के दिन जापान और कोरिया ने इलासा संधि पर हस्ताक्षर किए थे। साल 1999 में आज के दिन हेलेन क्लार्क न्यूजीलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। साल 2008 में आज के दिन 6ठा वेतन आयोग देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना था। साल 1795 में आज के दिन पहले बांग्ला नाटक का मंचन हुआ था। साल 1986 में आज के दिन भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना का जन्म हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।